नमस्कार, मैं परी चतुर्वेदी। स्वागत है आप सभी का न्यूज लाइव mpcg.com में। आइए नजर डालते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खास खबरों पर। प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा ने आखिरकार अपना प्रत्याशी तय कर ही लिया है। पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली साध्वी प्रज्ञा को इस सीट पर टिकट दिया है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल होने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा दिग्विजय की हिंदू विरोधी छवि का फायदा उठाने के लिए यहां से कट्टर हिंदुत्व की छवि वाली साध्वी प्रज्ञा को टिकट दे सकती है। पर इसके साथ ही प्रदेश के दो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साध्वी उमा भारती का नाम भी सामने आया था, पर उमा के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद और शिवराज के केंद्रीय राजनीति में जाने से मना करने से पार्टी के पास एकमात्र चेहरा साध्वी प्रज्ञा का ही बचता है, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने भाजपा की सदस्यता भी ली थी और भोपाल सीट से उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था और पार्टी ने इसका औपचारिक ऐलान भी कर दिया है। भाजपा ने प्रदेश की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है। भोपाल के अलावा पार्टी ने सागर से राज बहादुर सिंह, गुना से केपी यादव और विदिशा से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है। खैर, भोपाल सीट से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के सामने पहली बार चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा दिग्विजय को हराने में कितनी सक्षम है यह तो वक्त ही बताएगा। पर प्रदेश की राजधानी में बिना कोई जनाधार वाले पैरासूट प्रत्याशी को उतारना भाजपा को महंगा भी पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल इन दिनों अटल का प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे पर यह सच है। पर भूपेश जिस अटल का प्रचार कर रहे हैं वो भाजपा के दिवंगत नेता अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बल्कि कांग्रेस नेता और लोकसभा प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव हैं। इसी सिलसिले में भूपेश मंगलवार को बिलासपुर पहुंचे, जहां भूपेश ने सबसे पहले मल्हार पहुंचकर ऐतिहासिक मंदिर में मां दंडेश्वरी के दर्शन किए। इसके बाद भूपेश ने मल्हार के मेला ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा मोदी और रमन सिंह पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस प्रत्याशी अटल श्रीवास्तव को जिताने के लिए लोगों से समर्थन भी मांगा। उन्होंने कहा कि भाजपा असल मुद्दों से जनता को भटकाने का कार्य कर रही है। जांजगीर चांपा में बुधवार को अनोखी मतदाता रैली निकाली गई, जिसे जिला निर्वाचन अधिकारी नीरज कुमार बंसोड़ ने हरी झंडी दिखाकर शुभकामनाएं दी। स्वीप मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत महिला एवं बाल विकास विभाग ने कचहरी चौक से छात्र रैली निकाली। इस रैली में महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रीति खोखर चखियार, डिप्टी कलेक्टर मेनका प्रधान सहित करीब 200 महिलाओं ने हिस्सा लिया। रैली में महिलाओं ने आकर्षक रंग का छाता ओढ़कर मतदाता जागरूकता के नारे लगाए। लोकसभा चुनाव में एमपी की सभी 29 सीटों पर जीत की तैयारी कर रही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। चुनाव से ठीक पहले छिंदवाड़ा में भाजपा के कद्दावर नेता सौरभ ठाकुर 3000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सौरभ ने अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम कमलनाथ के सामने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस दौरान कमलनाथ ने जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर जमकर निशाना साधा। साथ ही सौरभ का स्वागत करते हुए कहा कि सौरभ का कांग्रेस में स्वागत है, अब हम मिलकर विकास की नई गाथा लिखेंगे। इस दौरान सौरभ ने भी कमलनाथ की हां में हां मिलाते हुए भाजपा को चापलूसों की पार्टी बताया। जनता पार्टी में लगभग 20 साल अपना देने के बाद और पूरी निष्ठा ईमानदारी से काम करने के बाद भी ये महसूस होने लगा है कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की कमी है। कांग्रेस से लोग आते हैं और भारतीय जनता पार्टी में पद पा लेते हैं, पैसे वालों की और चापलूसों की पार्टी में भरमार हो गई है। अब वो रीति और नीति भारतीय जनता पार्टी की नहीं रही जिससे हम लोग प्रभावित होकर काम करते थे। आज हमारे जिले के लाडले नेता, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी की रीति नीति को देखकर, उनके विकास कार्यों को देखकर और ये मानकर कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा का भविष्य कुछ और होगा, एक अच्छी सेवा करने का अवसर कमलनाथ जी को और हम सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, इससे प्रभावित होकर हम कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष का चुनाव आया, आप फिर गए, अब आगे भी आएंगे, आप फिर जाएंगे। ये आप गुमराह की राजनीति बंद करिए, आपने 15 साल ये कर लिया, मोदी जी ने कर लिया। आज मोदी जी जो जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, अभी आज मैं बालाघाट से आ रहा हूँ और मैं उन्हें बता रहा था कि जब मैंने कहा कि अच्छे दिन आ रहे हैं याद है मोदी जी के, कि लोगों ने चिल्लाना शुरू किया कि अच्छे दिन, तो वो कहते थे हम कह रहे हैं आखिरी दिन आ रहे हैं मोदी जी के। कोरबा पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि यहां की सरकार में जो जमानती लोग बैठे हैं वे नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के 35 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ मिले, इसीलिए किसानों की सूची केंद्र को नहीं सौंपी जा रही है और कहा जा रहा है कि यह चौकीदार सरकार किसानों को कुछ देना नहीं चाहती। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने छत्तीसगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने कोरबा और भाटापारा में आम सभा को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर
निशाना साधा, साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। पीएम किसान योजना, इसके तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए जमा करा रही है, लेकिन यहाँ पर अभी बहुत ही कम किसान परिवारों को पहली किस्त मिल पा रही है। इसलिए नहीं कि चौकीदार की सरकार योजना मिल जाती है, इसका कारण यह है क्योंकि यहाँ जो सरकार में बैठे हैं, जमानती लोग जो यहाँ बैठे हैं, उनको लगता है अगर चौकीदार के द्वारा भेजे गए 75,000 करोड़ की रकम में से छत्तीसगढ़ के हिस्सा अगर मिल जाएगा तो उनकी नैया टूट जाएगी। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के लोकसभा चुनाव संपन्न कराने के लिए 44 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। ये मतदान दल सड़क और हवाई रास्ते से रवाना किए गए हैं। दल के सभी सदस्यों को उनका काम भली भांति एक दिन पहले ही समझा दिया गया था। मतदान दलों को पहुंचाने के लिए 24 बस और 63 चार पहिया वाहनों का अधिग्रहण किया गया है, जिसमें वाहनों की संख्या जरूरत के अनुसार और भी बढ़ाई जा सकती है। चरामा क्षेत्र में 104, भानु प्रतापपुर में 92 और दुर्गु कोंदल क्षेत्र में 60 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 5 संगवारी मतदान केंद्र भी शामिल हैं। संगवारी मतदान केंद्रों में सभी तरह के कर्मचारी सिर्फ महिलाएं ही होती हैं। प्रदेश की राजधानी भोपाल से भाजपा ने आखिरकार अपना प्रत्याशी तय कर लिया है। पार्टी ने कट्टर हिंदुत्व वाली साध्वी प्रज्ञा को इस सीट पर टिकट दिया है। कांग्रेस से दिग्विजय सिंह का नाम फाइनल होने के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि भाजपा दिग्विजय सिंह की हिंदू विरोधी छवि का फायदा उठाने के लिए कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाली साध्वी प्रज्ञा को यहां से टिकट दे सकती है, पर इसके साथ ही प्रदेश के 2 पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और साध्वी उमा भारती का नाम भी इसी सीट से सामने आ रहा था, पर उमा के चुनाव लड़ने से मना करने के बाद और शिवराज के केंद्रीय राजनीति में जाने से मना करने से पार्टी के पास एकमात्र चेहरा साध्वी प्रज्ञा का ही बचता है, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने भाजपा की सदस्यता भी ले ली है और भोपाल सीट से उनका चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। हालांकि अभी भी पार्टी ने इसकी औपचारिक घोषणा नहीं की है, पर जल्द ही साध्वी प्रज्ञा के नाम का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। आपको बता दें कि न्यूज लाइव ने 3 हफ्ते पहले ही अपनी खबर के जरिए साध्वी प्रज्ञा को भोपाल सीट से टिकट मिलने की संभावना जताई थी। अमरवाड़ा के भाजपा विधानसभा प्रत्याशी रतन शाह मंगलवार को सिंगौड़ी पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया, साथ ही कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं सभा के बाद रतन शाह सिंगौड़ी से परासिया के लिए रवाना हुए। फर्जी घोषणा पत्र जारी करके कि हम किसानों का 2 लाख रुपए का कर्जा माफ करेंगे और भावांतर योजना हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी 500 रुपए देते थे, उसमें बोले हम 300 रुपए बढ़ा कर देंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परमानेंट करेंगे, शिक्षित बेरोजगारों को 4,000 रुपए प्रति माह हम भत्ता देंगे और जो बिजली का बिल 200 रुपए हम गरीब लोग देते थे उसको हम 100 रुपए देंगे, 100 रुपए करेंगे, ऐसी अनेक घोषणाएं कांग्रेस के द्वारा किया गया। बिलासपुर के मल्हार में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल ने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। भूपेश ने कहा है कि भाजपा और नक्सलियों के बीच सांठगांठ रहती है, इसीलिए झीरम जैसी बड़ी नक्सली घटना घटी और बीजेपी इस मामले में भी जांच नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा के नक्सलियों से सांठगांठ के बहुत पहले से मामले प्रमाणित भी हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेसियों और नक्सलियों के बीच सांठगांठ के आरोप लगाए थे। वहीं छत्तीसगढ़ की राजनीति में भूचाल लाने वाले बहुचर्चित अंतागढ़ टेप मामले में सीएम बघेल ने कहा कि अभी केवल फाइलों से धूल ही हटी है। घटना घटी है और इसीलिए वो जांच करने नहीं दे रहे हैं। बहुत सारे तथ्य हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी नक्सलियों के सांठगांठ है, प्रमाणित है। अभी बहुत सारे मामले हैं और उसमें देखिए न्यायालयीन प्रक्रिया के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन इनके तो बहुत सारे प्रकरण हैं, अभी केवल फाइल की धूल ही झाड़ी है। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।